हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आई होप यू ऑल विल बी फाइन सो आफ्टर लॉन्ग टाइम वी मेट एंड सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस बिकॉज कुछ रीजंस की वजह से हम कंटिन्यू नहीं कर पाए थे बट फ्रॉम नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास ट्वेल्थ टर्म टू एग्ज़ाम्स के लिए हम रेडी हैं ठीक है सी बी एस ई एंड बोर्ड एग्ज़ाम की जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बच्चे इस चैनल से जुड़े इस चैनल पर आपको फिजिक्स का सारा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा ठीक है बिफोर आई स्टार्ट द क्लास एक और इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी और जो बच्चे नए हैं उन्हें भी मैं बताना चाहूँगी कि इस चैनल पर हमारे एन पी सी नीवा फ़िज़िक्स क्लासेस पर आपको क्लास इलेवेंथ ट्वेल्थ एंड टेंथ का फिज़िक्स का पोर्शन सी बी एस ई एंड सभी बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन यहाँ करवाई जाएंगी आपको सारा वीडियो लेक्चर्स एंड सारा जो मटेरियल्स है नोट्स है वो प्रोवाइड किया जाएगा वीडियो लेक्चर्स आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में एलेवंथ ट्वेल्थ एंड टेंथ के मिल जाएंगे एंड नोट्स आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगी टेलीग्राम लिंक आपको सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी है. हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अदर रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स के लिंक भी गिवन है तो आप वहाँ जाकर लिंक पर क्लिक करेंगे सो so आपको जो भी वीडियो देखना है वो मिल जाएगा ओके आई होप यू हैव क्लियर ऑल द पॉइंट्स दैट आई वॉन्ट टू शेयर एंड ऑल राइट लेट्स स्टार्ट आवर क्लास ऑफ टर्म टू एग्जाम चैप्टर फोर्टीन सैमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ओके सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपसे डिस्कस करेंगे That is introduction of semiconductor, vacuum tube, classification of semiconductor, insulator and conductor types of semiconductor, intrinsic, extrinsic, PN type, semiconductor, PN junction, like a semiconductor, diode, forward bias, reverse bias, and application of as a rectifier optoelectronic devices like एल ई डी फोटो डायोड सोलार सेल ई टी सी ये सभी टॉपिक्स हम इस चैप्टर के डिस्कस करने वाले हैं आगे के कुछ लेक्चर्स में ओके एंड टूडेज लेक्चर इज बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन ठीक है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सेमी कंडक्टर जैसे कि हम सेमी कंडक्टर क्यों पढ़ रहे हैं क्या यूज हुआ सेमीकंडक्टर का कि हमें से, सेमीकंडक्टर पढ़ने की ज़रूरत हुई ठीक है तो ये सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट और बेसिक नॉलेज है वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ओके सो लेट इज स्टार्ट आवर क्लास द की पॉइंट्स ऑफ टू क्लास विल बी इंट्रोडक्शन एंड वैक्यूम टू सो बेसिकली सेमी कंडक्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं सेमी कंडक्टर ही ऐसा एक चैप्टर है जो हमारे फिजिक्स में है न तो कंडक्टर है एक पर्टिकुलर चैप्टर को लेकर और न ही इंसुलेटर सो सेमी कंडक्टर में ऐसा क्या विशेष है ओके फर्स्ट ऑफ ऑल सेमी कंडक्टर प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फिजिक्स ठीक है आजकल आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देखेंगे उसमें सेमी कंडक्टर का यूज है इवन आपके मोबाइल से अभी आप वीडियो शूट कर रहे हैं ठीक है या फिर फ़ोन पे बात कर रहे हैं या फेसबुक चला रहे हैं व्हाट्सएप चला रहे हैं जो भी आप कर रहे हैं ठीक है वो किसकी हेल्प से मोबाइल की हेल्प से और मोबाइल किससे बना है सेमी कंडक्टर तो हर चीज़ जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आप यूज़ कर रहे हैं वो सैमी कंडक्टर से बनी हुई है इसीलिए सेमी कंडक्टर हमें पढ़ना ज़रूरी है और सेमी कंडक्टर में होता ये है कि उसका जो अंदर का कंस्ट्रक्शन है उसमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चाहिए थी और जो कि सेमीकंडक्टर उस चीज़ को फुलफ़िल करती है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में जैसे कि ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर आने के पहले 1948 में वैक्यूम ट्यूब ये पर्पस फुलफ़िल करता था ठीक है कौन सा पर्पस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेंगे वो एक इम्पॉर्टेंट ये और वो कॉन्सेप्ट ये है कि उसमें इलेक्ट्रॉन के फ़्लो को हम कंट्रोल जैसे कंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू फ्लो होता है और इंसुलेटर में तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है बट सेमीकंडक्टर में ये होता है कि हम इलेक्ट्रॉन के फ़्लो को कंट्रोल कर सकते हैं और कंट्रोल करके हम डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस फॉर्म कर सकते हैं सो so, इन 1948 फोटी यहाँ पर हमारे पास पहले वैक्यूम ट्यूब हुआ करते थे जो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल कर सकते थे और वैक्यूम ट्यूब में टू इलेक्ट्रोड्स यूज़ होते थे एनोड इज़ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एंड कैथोड इज़ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो टू थिंग्स है यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब में वो ये है कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो पहले तो कंट्रोल तो हो सकता है बट जो फ्लो है वो ओनली वन डायरेक्शन है ठीक है मीन्स इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो ओनली फ्रॉम कैथोड टू एनोड और ये दोनों चीज़ें फुलफिल हो गई इसी लिए हम वैक्यूम ट्यूब का यूज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में करते थे ओके वैक्यूम ट्यूब का इस से कंस्ट्रक्शन होता है यहाँ पर टू इलेक्ट्रोड्स होते हैं पॉजिटिव को एनोड कहते हैं एंड नेगेटिव कैथोड होता है बीच में वैक्यूम होता है और कैथोड को हीट के थ्रू हीट के थ्रू गर्म करके इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेट किया है। जाता है इलेक्ट्रॉन्स जनरेट किए जाते हैं ठीक है इलेक्ट्रॉन्स कैथोड के थ्रू एनोड पर फ्लो होते हैं ट्रांसफ़र होते हैं और बीच में वैक्यूम होता है वैक्यूम इसीलिए होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जब अगर यहाँ एयर होगी तो एयर के मॉलिक्यूल्स से कोलाइड होकर अपनी एनर्जी लॉस करते हैं और एनर्जी लॉस के कारण हमारा जो पर्पस है वो फुलफिल नहीं हो पाता ठीक है इसीलिए एनर्जी लॉस ना हो इसी के लिए हम यहाँ एनोड एंड एन कैथोड टू इलेक्ट्रोड्स के बीच में वैक्यूम लगाते हैं और इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए इस पोर्शन में वैक्यूम में क्या होता है वोल्टेज को वैरी किया जाता है वोल्टेज को वैरी करके हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं और हमारा पर्पस फुलफ़िल कर सकते हैं ओके ये आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरह का जो डायग्राम है वो वैक्यूम ट्यूब का है अब वैक्यूम ट्यूब में कुछ डिसएडवांटेज थे कुछ कमियाँ थी जिसके कारण इंट्रोड्यूस हुआ सैमी ठीक है अगर वैक्यूम ट्यूब में हम कमियाँ नहीं ढूंढते तो सेमी आता ही नहीं तो वैक्यूम ट्यूब में कुछ डिसएडवांटेज थे जो कि जो कि फुलफ़िल हुए सेमीकंडक्टर में तो वो डिसएडवांटेजेस ये थे कि सबसे पहले तो ये साइज़ में काफ़ी बड़े होते थे वैक्यूम ट्यूब जो हैं वो पहले आपने देखे होंगे कि टेलीविज़न बहुत बड़े होते हैं ठीक है थीके? तो उसमें हम वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते हैं इसीलिए वो इतने बड़े बनाए जाते हैं सो so, बल्कि इन साइज होते हैं वैक्यूम क्रिएशन करना पड़ता है यहाँ पर ठीक है अलग से एक सिस्टम बनाना पड़ता है जिसमें हम वैक्यूम को क्रिएट कर सकें कंज्यूम हाई पावर पावर काफ़ी ज़्यादा होता है ऑपरेट एट हाई वोल्टेज ठीक है वोल्टेज भी अप्रोक्स हंड्रेड वोल्ट के अराउंड होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई है एंड लो लाइफ इसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती है एंड लेस रिलायबल होते हैं ठीक है तो इन सभी कमियों की वजह से ये सभी जो कमियां हैं वो फुल फुल हुई हमारी सेमीकंडक्टर में ठीक है तो यही डिसएडवांटेजेस सेमीकंडक्टर के लिए एडवांटेजेस बने ठीक है यहाँ पर आप डायग्राम के थ्रू सेमीकंडक्टर देख सकते हैं सेमीकंडक्टर एक छोटा सा चिप होता है जिसमें काफ़ी सारे सर्किट्स होते हैं मीन्स ये साइज़ में काफ़ी छोटे होते हैं ठीक है इसमें वैक्यूम तो क्रिएट करना नहीं पड़ता है तो ये वाला तो ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया देन लो पावर यूज़ होता है ठीक है वोल्टेज भी ज़्यादा नहीं होता है ठीक है एंड लाइफ जो है लॉन्ग लाइफ होती है सेमी की लाइफ लॉन्ग लाइफ होती है एंड मोर रिलायबल होते हैं इसीलिए हम मोस्टली सेमी का यूज़ करते हैं ओके सो आई होप यू हैव क्लियर ऑल द थिंग्स ठीक है ये हमारे आज का जो वीडियो लेक्चर था दिस इज़ द सिंपल थीम ऑफ सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक है अभी इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स आना बाकी है सो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग थैंक यू सो मच